नमस्ते भाइयों, मैं हूँ स्मित चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मित ऑटो में। आज हमारे पास है SP125। तो SP125 के बारे में हमने एक रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। अब मैं इसका एक यूनिक फीचर के बारे में बात करूँगा जो 2022 में SP ने इसमें डाला है। तो हम इसकी बात करें तो ये स्टैंड करके अगर आपकी बाइक गिर में होगी तो आपका सेल नहीं लगेगा, ये वाला फीचर है। तो इस फीचर के बारे में हम डिटेल में थोड़ी सी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसकी बात करें तो इसमें होता क्या है, बाइक ऐसे ऑन है, देख सकते हैं आपका स्टैंड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो अगर मैं, ये न्यूटन है, आप देख सकते हो ये न्यूटन है अभी, और मैं सेल मारता हूँ, बाइक स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हो ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। पर बट अगर ये बाइक लगी होगी अभी, मैं इसमें गियर में लगा देता हूँ, ये फर्स्ट गियर में लग चुकी है आप देख सकते हो। और फिर आप ये देख ले, मैं क्लच दबा रहा हूँ और यहाँ से सेल दबाता हूँ आपको, फिर भी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि बाइक को पहले न्यूटन कर लेता हूँ, बाइक को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। और फिर मैं क्लच करके गियर में डालता हूँ, अभी भी देख सकते हो आपका स्टैंड लगा हुआ है, फिर भी मैं गियर में डाल देता हूँ। तो आपने देखा कि इस बाइक है वो बंद हो चुकी है। अगर आप बाइक का न्यूटन में स्टार्ट भी कर लो, अगर आपका स्टैंड लगा होगा तो ये बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर कहा जा सकता है। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि स्टैंड करना, ऊपर करना लोग भूल जाते हैं और उसकी वजह से कोई गड्ढे या बम्प में बाइक गिर पड़ती है, तो ये स्टैंड जमीन पे टच हो जाता है, उसके कारण बाइक का बैलेंस जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ये सेफ्टी के बारे में बहुत ही अच्छा SP ने सोचा है। तो बस यही था SP125 के स्टैंड के फीचर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।